नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको सिखाऊंगा बेल बॉटम कैसे काटी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो शुरू करते हैं। आज जो बेल बॉटम हम काटेंगे उसका मैं मेजरमेंट आपको बता देता हूँ। 42 लेंथ है, 34 इनकी वेस्ट है, 40 इंच हिप है और 24 इंच का इनका रिंग है जिसको हम थाई बोलते हैं। 16 इंची की बॉटम है, लेंथ 42 है। बेल बॉटम में हमेशा जितनी लंबाई होती है उससे 2 या 3 इंची एक्स्ट्रा लंबाई काटी जाती है उसकी, क्योंकि इसको ऊंची हील के जूते पर पहनी जाती है। कम से कम 2.5 या 3 इंची की इसके जूते की हील होती है, उसके ऊपर ये पहनी जाती है, इसलिए इसकी लंबाई हमने 42 रखी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। बेल बॉटम तो आजकल बनती नहीं है इसलिए मैं निशान लगाकर आपको बताऊंगा। बेल्ट का हिस्सा ऊपर छोड़कर हम निशान लगा लेंगे लंबाई का। ठीक, ये हमारी लंबाई का निशान हो गया। अब इनके हिप हैं 40 इंची, तो हम इसको 10 इंची पर निशान लगाएंगे। ठीक, यहां से हम चौथा हिस्सा लेंगे मार्जिन छोड़कर। इधर हमने इतना मार्जिन छोड़ दिया है, इधर भी मार्जिन छोड़ दिया है। बेल बॉटम का ऊपर का हिस्सा करीब करीब वैसे ही कटता है जैसे हम पैंट में नॉर्मल पैंट में काटते हैं। फ्रंट का हिस्सा ऐसे ही कटता है। बेल बॉटम में प्लेट नहीं दी जाती और इसमें एल पॉकेट होती है। इसका सेंटर हम कर लेंगे। छह इंच एक सूत। अच्छा, इनकी जो बॉटम है 20, 22, 24 तक चलती है, तो हम इसको 22 बॉटम पे काटेंगे। ठीक, साढ़े पाँच हम इधर निकाल देंगे। ये 22 हो जाएगी। अच्छा, इसमें घुटने का मेजरमेंट भी लिया जाता है, इसका हाफ कर लेंगे और इससे 2.5 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे। इसका सेंटर कर लेंगे। घुटने का जो मेजरमेंट होता था वो क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से होता था। ज़्यादातर
घुटने को अगर 22 इंची मोहरी है तो 16 इंची घुटना रखा जाएगा इसका। इसको भी हम सेंटर करेंगे, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इस लाइन को मिलाएंगे इस तरीके से, ऐसे ही हम इसको मिलाएंगे। उसके बाद हम इस लाइन को मिलाएंगे इस तरह से गोलाई पर रखते हुए इसको। इसी जगह से हम यहाँ रख के और इसको मिला देंगे। ठीक, इस तरह से यहाँ हम शेप दे देंगे। ये हमारी बेल बॉटम का सामना है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है। बेल बॉटम का जो लंबाई का नाप लिया जाता है वो जो नॉर्मल लंबाई होती है उससे 2.5 या 3 इंच लंबा रखा जाता है, क्योंकि ऊंचे हील पर इसको पहना जाता है। और इसकी बॉटम 20, 22, 24 तक चलती है, इससे भी बड़ी रखी जाती थी, और उसी के हिसाब से घुटना कम और ज़्यादा रखा जाता था। इसका मेजरमेंट फिक्स नहीं होता, जितना क्लाइंट की चॉइस होती थी उस हिसाब से मैंने इसको 16 रखा है। यहाँ से हाफ करके 2.5 इंच ऊपर हम घुटने का निशान लगाएंगे, ये चौथा हिस्सा है, और यहाँ से हम जैसे पैंट में चौथा हिस्सा लेकर के निशान लगाते हैं वैसे ही लगेगा, ये 1.5 इंच आगे हम बढ़ा देंगे। ठीक, अब आता है इसका बैक कैसे काटा जाता है। बैक काटने के लिए इसको हम बिल्कुल इसी निशान पर ले लेंगे, ठीक, यहां से हम लेंगे 1.5 इंच, यहां से लेंगे 1.25 इंच, यहां से लेंगे 1.25 इंच, और इसको हम मिला देंगे। और बिल्कुल जो शेप हमने इस जगह पर दी है वही शेप हम इस जगह पर देंगे। ठीक, इनकी जो रिंग था, जो इनकी थाई है वो 24 इंच है, इसमें थाई बिल्कुल टाइट चलती है, कोई उसमें लूजिंग नहीं आनी चाहिए, बहुत मामूली सी लूजिंग रहती है। तो ये इनकी थाई आएगी, यहाँ से पूरी फिक्स आ रही है ये 12 इंची, इसमें ये सिलाई में चला जाएगा 1 इंची, सिर्फ ये एक उंगल की इसमें लूजिंग रहेगी। अब हमें यहाँ से इसकी बैक का निशान लगाना है 10 इंची, चौथा हिस्सा होगा, इसको क्रॉस करते हुए हम निशान लगा देंगे। ठीक, और ये इसका बैक का निशान हो जाएगा। इसको मिलाते हुए और यहाँ मिलाकर हम बैक का निशान लगा देंगे ऊपर का। ये हमारा बैक का निशान हो गया। इस जगह से भी हम थोड़ी शेप दे सकते हैं। ठीक, इसमें जो पॉकेट बनती है ये इसकी क्रीच आएगी इस जगह पर। ये जो क्रीच का निशान आता है उसी जगह से पॉकेट बनेगी। ऊपर से आप इसको ले सकते हैं 2 इंची और यहाँ से थोड़ा क्रॉस करके 2.5 के आसपास हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक, इनकी जो कमर है वो है 34 इंची, यहाँ से ये आ रहा है 9.5, 9.5 को हम यहाँ रखेंगे बैक में, और 34 इंची यहाँ आता है,
यहाँ पर हमारा मार्जिन दब जाएगा, ये हमारे पीछे दो डट्स आ जाएंगी, 2 इंची की, 1-1 इंची की दो डट हमें पीछे डालनी है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा बेल बॉटम कैसे काटी जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट शर्ट, कोट, जैकेट, टैक्सीडो, ब्रीचेस, शेरवानी, कुर्ता पजामा, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।